जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। चैतन्य स्वरूप परिपूर्ण है। ज्ञान और आनंद आदि अनंत गुणों से भरपूर है। अनंत गुणों की अखंडितता अनादि अनंत है। ये ध्रुव नित्य ज्ञायक देव ही मैं हूं। जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, उन ज्ञेयों को जानने के काल में ज्ञान की पर्याय की रुचि न होने पर जिसने एकमात्र ज्ञान स्वरूप के रस को चखा है, वे ही ज्ञानी है, वे ही ध्यानी है। जिस साधक के अंतर में ऐसी चैतन्य स्वरूप की प्यास जगती है, वो तरह तरह के ज्ञान के आकारों में, ज्ञान के भेदों में नहीं अटकता। जिसे प्यास लगी है, वह गिलास के स्वरूप में नहीं अटकता। प्यासा व्यक्ति ये अपेक्षा ही नहीं रखता कि मुझे सोने के गिलास में या चांदी के गिलास में पानी चाहिए। प्यासा तो मात्र पानी को चाहता है। जिसे पानी की चाहत है, उसे पानी के आकार का भी विकल्प नहीं है। जिसे पानी की रुचि है, उसे पानी के प्रवाह पर भी जोर नहीं है। प्रति समय यह पानी का प्रवाह भीतर जाता है।
गिलास में पानी लिया, मुंह तक वो गिलास लाए और पानी अंदर जाता है, पानी बहता है, मगर बहता पानी इतना भी विकल्प नहीं, बहते पानी में भी मात्र पानी मेरी प्यास छिपी, और जो प्यास छिपती है उस प्यास के छिपने से वह निराकुल होता है। अब वो आकुलता उसकी पहले जैसी न रही, मगर वो इंद्रिय के विषयों की, भोगों के विषयों की, विकल्पों की पूर्ति करके ये काल्पनिक रूप से सुखी मानता है। अंतर की अनुभूति का स्वरूप ऐसा है कि ज्ञान की धारा निरंतर बहती रहती है, निरंतर सक्रिय है यह ज्ञान का प्रवाह। जिस ज्ञान के प्रवाह को निष्क्रिय करने की कोई सुविधा नहीं कि तुम थोड़ी देर के लिए विराम ले लो, यह अनादि अनंत ज्ञान प्रवाह। एक देह में से दूसरे देह में जन्म हो तो भी विग्रह गति में एक समय से लेकर के चार समय, वहां भी निरंतर जानना 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 रुकता नहीं है। अंतिम देह को छोड़ा ऐसा ही आत्मा का आकार नए देह को धारण करने से पहले, मगर जो जानने रूप प्रवाह है उस जानने रूप प्रवाह को न भूतकाल के न भविष्य काल के किसी भी देह की अपेक्षा नहीं है, वह जो स्वरूप है यह स्वरूप मैं चैतन्य स्वरूप हूं। देह होने पर भी देहातीत होना, जानने के स्वभाव को जान करके जानने वाले न्यायक तक पहुंचना, निर्विकल्प अनुभूति चैतन्य तत्व विचार से होती है। ऐसा चैतन्य तत्व विचार ज्ञान जानता है, फिर भी द्रव्य के साथ ज्ञान अभेद होने से ये कहा कि भगवान आत्मा जानता है भगवान। ये मैं भगवान आत्मा में जानने वाला, मगर भगवान आत्मा जानने वाला कहते ही ज्ञान के भेद का विकल्प नहीं और द्रव्य में ही एकत्व, एक अंश में एकत्व ऐसा नहीं, पूरी जो अनंत गुणों की अभेद एक सत्ता है उस सत्ता में एकत्व का नाम सम्यक दर्शन है, आत्मज्ञान है। इसी के बल पर वितराग परिणति प्रकट होती है, आंख से देखने का कार्य होता है, देखने का कार्य पूरे शरीर के सभी अंगों से नहीं होता, मगर जिस समय ये देखने का कार्य आंख से होता है तब ये विकल्प नहीं आता कि मेरी आंख देख रही है, उस समय ऐसी ही मान्यता है कि मैं देख रहा हूं। देखने का कार्य एक अंग का होने पर भी पूरे शरीर को ये कहना कि मैं देख रहा हूं, ऐसे ही जानने का कार्य ज्ञान का है, मगर ज्ञानी की यह मान्यता कि मैं भगवान आत्मा मैं जानता हूं, क्योंकि अलग करके भेद करके ये विकल्प ही नहीं होता। आंख देखती है ये विकल्प तो तब हो कि आंख शरीर में से दूर हो जाए, शरीर में से निकल जाए और आंख अकेली रह करके देखे तो ठीक है कि आंख ने देखा, ये कहना ठीक है, मगर आंख अकेली रह करके नहीं देखती, शरीर के साथ में अभेद रह करके आंख वस्तु को देखती है, इसलिए यह भेद का विकल्प नहीं होता, आंख ने देखा मैंने नहीं, ऐसा भेद ही उत्पन्न नहीं होता,
ऐसी ही मान्यता है कि मैंने देखा, इसलिए ये नहीं कहते कि उस व्यक्ति ने मुझे देखा। उस समय ये विकल्प नहीं होता कि उसकी आंख ने मुझे देखा। मान्यता में यही है कि वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति और उसकी आंख दोनों को अलग नहीं, और दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है कि शरीर में जो ये आंख है ये आंख देखने का कार्य करती है, और शरीर के बाकी अंग ये कान नाक जीभ और ये चमड़ी ये और चार इंद्रिय और मन ये राख की दीवार देखने का कार्य नहीं करती। फिर भी ये आंख के परमाणु के प्रदेश और बाकी अंगों के जो परमाणु के प्रदेश ये अलग अलग है। इसलिए आंख यहां है तो कान यहां है, दोनों अलग अलग। यहां तो किसी विशिष्ट भाग पर ही आंख है, पूरे शरीर के सभी परमाणुओं में आंख नहीं है। जहां जहां देह का विस्तार है वहां सर्वत्र आंख का विस्तार नहीं है, वहां मर्यादा है। मगर जहां जहां आत्मा है वहां सर्वत्र ज्ञान का विस्तार है। ये जानना 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 ये भगवान आत्मा के असंख्य प्रदेशों में सर्वत्र व्याप्त है, असंख्य प्रदेशों में। इसलिए आंख यदि शरीर से कभी अलग भी हो जाए, एक अकेली आंख को अलग, एक आंख को ही तुम देखो जिस आंख का शरीर के साथ में संबंध नहीं, अकेली आंख है वो डराने का काम कर सकती है। जिस ज्ञान ने स्वरूप का आश्रय नहीं लिया, जो ज्ञान द्रव्य के साथ में अभेद होकर द्रव्य को नहीं पहचानता, ऐसा क्षयोपशम ज्ञान और अज्ञानियों को डराने का काम कर सकता है, ख्याति लाभ प्रसिद्धि का कार्य कर सकता है कि मैं बुद्धिमान हूं मेरे पास इतना ज्ञान है। मगर जिस ज्ञान ने द्रव्य के अंतर में चैतन्य परमात्मा के अंतर्मुख होकर के ये पहचाना, फिर प्रति समय ज्ञानी अपने को अनुभव करता है, सहज ही जागृति रहती है कि ज्ञान में मैं अपने को ही अनुभव करता हूं, ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करता हूं। ऐसा जब अनुभव, तब समस्त पर पदार्थ भले ही ज्ञान में जानने में आए, मगर उन पदार्थों में वह अलिप्त रहता है। वह अलिप्त रहता है क्योंकि जहां उसे अनुभव होता है वहां तो निराकुल ज्ञान का अनुभव होता है। एक भूतकाल के जितने भी विकल्प, उन विकल्पों का वहां अस्तित्व ही नहीं रहा, विकल्पों को पहुंचने भी नहीं गया, वहां तो सिर्फ दृष्टि घूम गई, दृष्टि मुड़ गई कि बोर्ड पर अलग 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 प्रकार के जो चित्र थे, अलग अलग वाक्य थे, बहुत कुछ वहां लिखा हुआ था, मगर उसे पहुंचने भी नहीं गया, सिर्फ दृष्टि घूम गई। ऐसी ही चैतन्य दृष्टि, ऐसी ही निराकुल ज्ञान की दृष्टि कि जहां ये ज्ञान अनुभव में आता है भगवान, वहां तो और कोई विकल्प ही नहीं होता। और ऐसी निराकुल चैतन्य परमात्मा की अनुभूति कि अहोभाव आया, उससे पूर्व जाना था, एक समय में नहीं, दो समय नहीं, अनंत समय हो, केवल ही भगवान के केवल ज्ञान की पर्याय, ये केवल ज्ञान की पर्याय अनंत समय में, एक समय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान में जानने में आता है, ध्यान का ध्येय बनता है। दूसरे समय में भी भगवान आत्मा ध्यान का ध्येय है,
ऐसे एक दो नहीं अनंत पर्याय, जो केवली भगवान को अनंत पर्यायों में वह दशा प्रकट हुई है, अनंत पर्यायों में वह दशा प्रकट हुई। ऐसी दशा मिथ्या दृष्टि को एक समय की पर्याय में भी प्रकट नहीं हुई। फिर महिमा किसकी? फिर भी महिमा है नीज चैतन्य परमात्मा की, केवली भगवान की भी नहीं। क्योंकि जब तक नीज चैतन्य परमात्मा की महिमा नहीं आती, तब तक अनंत केवल ज्ञानियों को केवल ज्ञानी जो माना है, वह भी केवल ज्ञानियों का अपमान है। महावीर भगवान अनंत ज्ञानी है, ऐसा देखा है जिसने, और जिसने स्वयं को नहीं देखा उसने महावीर भगवान का अपमान किया, भक्ति नहीं की। क्योंकि महावीर भगवान की भक्ति तो व्यवहार है, और व्यवहार तो तब होता है जब निश्चय प्रकट हुआ हो, और निश्चय तो तब प्रकट होता है कि महावीर भगवान से भी महान मैं हूं, ऐसा मैं त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव, ऐसा हो भगवान, इसलिए हो स्वरूप का ऐसा अहोभाव, एक नहीं, ये तो नाम भगवान तुमने सुने सब, उसमें कौन कैसा उन विशेषों में नहीं, मैं हूं या मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं तो महिमावान नहीं है वो मेरे लिए, ऐसा अंतर में झोर। 24 तीर्थंकर हो, 3 काल के 72 तीर्थंकर हो, या फिर अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा हो, मगर पर की सत्ता में है तो महिमा नहीं है। ऐसा निज ज्ञायक देव के प्रति अहोभाव तब निर्विकल्प होता है। हे ज्ञान दीपक, मृत्यु से पहले तुम गैर हाजिर होना, ये जो तुमसे मैं कहता हूं, तुम यहां रह करके ही, तुम यहां नहीं हो, तुम मरने की कला समझ लो। जो बात तुम्हें 2-3-4 दिन के बाद में भूलनी ही है, एक बार तुम उन विकल्पों से छुट करके उस सत्ता को महिमावान देखो। ऐसा ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूं। प्रति समय ये जागृति, सम्यक दृष्टि को सदाकाल ये जागृति है, और ऐसा तुम प्रयोग करो कि नहीं हो, तुम मर जाओ, ये मैं तुमसे कहता हूं, और उस समय जो तुम्हें अनुभव होगा, कितनी ही बार तुमने एकांत में जाने का प्रयास किया मगर भीड़ ने पीछा न छोड़ा। तुम भले ही कहते हो कि तुम घर में अकेले रहते हो, कमरे में अकेले रहते हो, कमरे में और कोई नहीं है, भले ही तुम्हारे साथ कमरे में कोई नहीं है, मगर फिर भी कमरे में मेहमान आते हैं। तुम कहते हो कमरा तो बंद है और कमरे में कोई आ ही नहीं सकता, मगर फिर भी मेहमान आते हैं। कमरे में नहीं, नींद में भी तुम चले जाओ तो भी मेहमान आते हैं। तरह तरह के विकल्प मेहमान होकर आते हैं। वहां पर भी अकेलापन नहीं है, वहां पर भी भीड़ है। नींद के काल में भी अनंत विकल्पों की भीड़ है, होगी ही, क्योंकि जागती अवस्था में जिसे एकांत का अनुभव नहीं हुआ, वह नींद में उस भीड़ से कैसे छूटेगा, कैसे बचेगा। सबसे पहले निर्विकल्प अनुभूति जागृति की अवस्था में होती है, नींद में नहीं। इसलिए अभी जागती अवस्था के काल में ही परमाणुओं से गैर हाजिर होना, उन परमाणुओं को ऐसे ही देखना, एक में अनित्य और एक में नित्य, ऐसा भेद मत करना भगवान, ऐसा भेद मत करना कि कुछ तो अनित्य और कुछ नित्य। तुम्हें सांसें तो अनित्य दिखती है और शरीर नित्य दिखता है, तुम्हें पंखा तो अनित्य दिखता है मगर छत तो नित्य दिखती है, तुम्हें पानी का प्रवाह तो अनित्य दिखता है मगर तुम्हें नदी तो नित्य दिखती है, तुम्हें चलती गाड़ी जो है वह तो अनित्य दिखती है मगर जो रास्ता है वह तुम्हें नित्य दिखता है,
और सबसे बड़ी भूल यही हो जाती है कि दो अनित्य के बीच में भेद देखा, कि कुछ को तो अनित्य और कुछ को नित्य देखा। गैर हाजिर होने का भाव यह है कि जैसे तुम्हें सांसे ये अंदर जाए बाहर आए ये अनित्य लगे भगवान, ऐसे ही ये शरीर के परमाणु भी तुम्हें अनित्य लगे, ऐसे ही ये शरीर की रचना भी तुम्हें अनित्य लगे। तभी एक की अनुभूति होती है, एक की अनुभूति वह एकांत है, वही एकांत है, वही सम्यक एकांत है। इसलिए ये अनेकांतवादी जैन दर्शन कहा, मगर वह अनेकांतवादी जैन दर्शन भी किसके लिए है? एकांत का जो विषय है वहां तक पहुंचने के लिए। अनेकांत स्वरूप को समझना है अनेकांत में जाने के लिए नहीं, अनेकांत स्वरूप को समझना है अनेकांत से भी छूट करके एकांत में जाने के लिए। इसलिए चैतन्य तत्व जो दृष्टि का विषय है उसे परम शुद्ध निश्चय नई का विषय कहा, और नई का विषय कहा इसका अर्थ यह है कि एकांत का विषय कहा। ये भाषा तो मैं थोड़ी कठिन लगी। जिन्होंने ये नई और प्रमाण का अध्ययन न किया हो मगर समझ में आ सकता है कि अनेक वस्तु भले ही सामने हो मगर जहां तुम्हारी रुचि है वह रुचि एक में है, और उसके लिए भीड़ को अलग करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी दृष्टि उस एक सत्ता पर हो कि भीड़ वहां होने पर भी तुम्हें वह नहीं दिखती, वैसा ही मैं चैतन्य परमात्मा तत्व हूं भगवान, ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य हो, उसी के वही पर ही अपनी सत्ता देखी, ऐसी ही अनुभूति सत्ता की। एक गाड़ी आई गई, दूसरी गाड़ी आई गई भगवान, मगर वह जो ऐसा रोड जो है, वो जो रास्ता है, वहां तो वह अपने को स्थिर अनुभव करता है। वह पाता है कि जिस रोड पर वह बैठता है वह रोड तो नहीं चलता है, गाड़ियों को चलता देखता है, मगर जहां उसकी स्पर्शना हो रही है, जहां वो अनुभव कर रहा है, बस वो नहीं चल रहा। हाथ जलता है, रोड गर्म है, और रोड पर बैठा तो हाथ जलता है, और गाड़ियां भी रोड पर चलती है, मगर वो जो अनुभूति है कि अरे ये चलती हुई अग्नि, ऐसा विकल्प ही नहीं, मुझे गर्म का अनुभव हो रहा है, गाड़ियां जानने में आए तो आए मगर अनुभव हो रहा है कि रोड जो है वह गर्म है। गर्मी के दिन है, दोपहर के 12 बजे है, गर्म गर्म का अनुभव हो रहा है, गाड़ियां है और गाड़ी के भीतर एयर कंडीशन है, बिल्कुल ठंडी हवा, मगर वो जो प्रवाह है उस प्रवाह का कोई यहां पर रोल नहीं है, यहां मात्र स्पर्शना है स्थिरता की। ऐसे ही प्रति समय यह जागृति कि विकल्प के भावों के बहते प्रवाह में प्रति समय ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये ध्रुव भगवान, ये मैं हूं, ऐसा मैं ध्रुव भगवान आत्मा, ऐसा हो भगवान। नित्य ध्रुव भगवान आत्मा, ओ हो हो हो, हे ज्ञान दीपक भगवान, ऐसा तुम्हें ध्रुव का अनुभव हो, पर्याय के प्रवाह को तुम देखते हो, गाड़ी आई और गाड़ी गई ये दृश्य तुमने देखा, एक नहीं निरंतर ऐसी निरंतर चलती गाड़ी को तुम देखो, मगर चलती गाड़ी को देखते समय भी तुम रोकने नहीं जाते, तुम्हें वह विकल्प भी नहीं आता जिस समय तुम्हें इतनी गर्मी का अनुभव होता है कि कौन सी गाड़ी आई। कोई कहे कि कोई बड़ा सेठ यहां से निकला, कोई बड़ा मंत्री निकला, तुम्हें विकल्प ही नहीं कि मुझे क्या, मुझे यहां गर्म का अनुभव हो रहा है,
ऐसे ही ज्ञानी की मस्ती है कि ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान का जानने जानना जानना, ये प्रवाह कौन सा बहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो भगवान ऐसा हो, सामने कौन सा हो, 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 कि सामने जो वस्तु है वो वस्तु कौन सी आई उसका तो फर्क नहीं पड़ता। भगवान ऐसा हो, तुम्हारे पास आज जेब में 100 रुपये है या 200 रुपये है उससे तो फर्क नहीं पड़ता, मगर 100 रुपये जो है जेब में वो 100 रुपये तुम्हारे ज्ञान में जानने में आए, वो ज्ञान का जो जानने रूप परिणमन है उस जानने रूप परिणमन को एक और देखा है, एक और माने पराये में देखा। जानने रूप परिणमन को पराये के अंदर जिसने देखा वही ध्रुव का दर्शन कर सकता है। तुम कहो कि मुझे इतना धन चाहिए ही चाहिए, उसका क्या ठिकाना, उसमें तो कितना कितना नया 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 नया, उसका क्या ठिकाना, निर्विकल्प हो कैसे। धन चाहिए, इतना धन चाहिए, मगर विकल्प का अंत थोड़ी ना है। अमेरिका में एंड्रयू कार्नेगी मरा, मरते समय 4 अरब रुपये छोड़ करके जा रहा था मरते समय, और उस समय 4 अरब रुपये बहुत ज्यादा होते हैं, मगर 4 अरब रुपये बहुत ज्यादा होते हैं ये दूसरों के पास हो तो ज्यादा होते हैं, अपने पास हो तो वह बहुत कम होते हैं। एंड्रयू कार्नेगी को भी वह बहुत कम लगते थे। जब उसे अपने मित्रों ने उसे पूछा कि कैसा लग रहा है, वो तड़पता हुआ मरा, उसने कहा सपना अधूरा रह गया, 10 अरब कमाने की इच्छा थी, मैं कमाए बिना जा रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि 10 अरब रुपये जिनके पास न हो ऐसे अमेरिका में उस समय नहीं थे, उस समय थे, मगर उनकी इच्छा कुछ और थी। सभी लोग आगे 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 देखते हैं, तुम जिसकी ओर देखते हो कि तुम्हें उनके जैसा होना है वो करोड़पति है तो मैं करोड़पति कब हो, मगर उस व्यक्ति को पूछो उसकी नजर कहीं और आगे है, और जिसके ऊपर उसकी नजर है उसकी भी नजर कोई और आगे है। कहीं ना कहीं नजर आगे है, और ज्ञानी वह है जिनकी नजर अब आगे नहीं जाती, जिनकी नजर अब बंद हो गई, अब दृष्टि ही बाहर से बंद होकर के अंतर्मुख हुई, बस वही ज्ञानी है कि नजर अब आगे नहीं जाती, दूसरे की ओर नजर न जाना, यही है। इसलिए कर्तृत्व मिटता है। आज यदि सिकंदर यहां होता तो सिकंदर को पछतावा होता। सिकंदर ने भी ये जीवन में ये कहा कि अरे एक ही दुनिया क्यों है, बहुत पछतावा होता था, बहुत उसे दुख होता था, खेद होता था। वह कहता कि एक ही दुनिया क्यों है, दूसरी दुनिया क्यों नहीं है, दूसरी दुनिया होती तो उसे भी जीत सकता था, जीतने के लिए दूसरी दुनिया चाहिए। और आज के जमाने में ये होता, हमारी जो अहंकार की लड़ाई है वो अहंकार की लड़ाई यहां तक नहीं, दूर दूर तक, इस पृथ्वी पर ही सीमित नहीं रही, दूर दूर तक चांद तक पहुंची। इसलिए अमेरिका कहता है कि हमारा पैर वहां चंद्र पर होना चाहिए, रूस कहता है हमारा पैर पहले वहां होना चाहिए, कौन मालिक बने चंद्र का, पृथ्वी लड़ने के लिए कम पड़ी कि चंद्र तक पहुंच गए, और चंद्र को भी पाए तो भी शांति न मिलेगी क्योंकि वृत्ति ही मलिन है। जहां स्वरूप की ओर दृष्टि गई कि न तो चांद की ओर देखता है न पृथ्वी की ओर, ऐसा निर्विकल्प होता है। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें यह दशा प्रकट हो भगवान, धन 100 रुपये जेब में है,
मगर वो 100 रुपये उससे तुम्हें कोई सुख दुख नहीं। 100 रुपये जो ज्ञान में जानने में आ रहे हैं, उस ज्ञान की पर्याय की तुम्हें रुचि न रही। ऐसा ज्ञान की पर्याय की रुचि न रहने पर कि ज्ञान ने किसको जाना, ऐसा वरना वही हाल होगा हो कि कभी 100 रुपये जो अनित्य है उस अनित्यता में अटकता था, पर अब अनित्य ऐसे 100 रुपये को जानने वाली ज्ञान की जो अवस्था है, वर्तमान में ज्ञान का जो परिणमन है, ये जो वर्तमान में जानना हुआ, उस जानने में अटकना हो गया। दोनों स्थिति में वो अटकता है, वो जानना 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 उस प्रवाह में अटकता है। प्रति समय ये जागृति रहे, ये ज्ञान दीपक, ये जागृति कि जो ये जानना 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 होता है उसमें जानने की पकड़ नहीं, ऐसा जानने की पकड़ नहीं, सिर्फ राग द्वेष नहीं करता, सिर्फ मात्र जानता है ना, सिर्फ मात्र साक्षी होकर के जानता है। और तुम्हें जब ऐसा अनुभव हो ना कि बस मैं मात्र साक्षी हूं, और साक्षी हूं ऐसा तुम्हें एकत्व हो, गहन स्वरूप है भगवान जिसने अपने को जगत स्वरूप माना है, ये देह स्वरूप माना, धन स्वरूप माना, वह तो अज्ञानी है, मगर जिसने अपने को जगत का साक्षी माना है, जगत का साक्षी, वह मिथ्या दृष्टि है, वो उसका भाव भी सूक्ष्म भाव है। मैं जगत का साक्षी हूं, क्योंकि साक्षी कहां होता है, साक्षी द्रव्य में नहीं होता, जो साक्षी है वो पर्याय में होता है। अब मैं साक्षी हूं, वो पर्याय में जो जानना सहज हो रहा है, बिना विरोध का जो जानना हो रहा है, ये बिना विरोध का जानना ये पर्याय में है, द्रव्य में नहीं, क्योंकि द्रव्य में जानना नहीं है, इसलिए जो जानना 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 ये साक्षी हो, ऐसा हो उसमें भी एकत्व नहीं, तुमने कभी ऐसा विचार भी किया भगवान, ऐसा हो उसमें एकत्व नहीं करता, ऐसा ज्ञानी अपने को साक्षी नहीं मानता है, जो साक्षी में नहीं जाता है, ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता में हूं। कभी सुना है ऐसा सुना है कभी ऐसा सुना है? साक्षी जो है वो साक्षी, उस साक्षी कर्ता धर्ता की तो बात ही नहीं, कि मैं जगत का ये कर दूंगा, ये सुधार दूंगा, ये बिगाड़ दूंगा, उसकी तो बात ही नहीं। यहां जगत में जो कुछ भी होता है, मैं मात्र साक्षी हूं, और ज्ञानी साक्षी रहते हैं, ज्ञानी साक्षी रहते हैं, मगर ज्ञानी साक्षी अपने को मानते नहीं है, माने तो वे मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि द्रव्य का आश्रय लेने पर, भगवान आत्मा जो नित्य है, उस नित्य का आश्रय लेने पर वह साक्षी रहते हैं। साक्षी कब रहे? साक्षी तभी रहा जा सकता है, कुछ अंतर में ऐसा एकत्व, अंतर में ऐसी दृष्टि हो। एक बात खास समझना भगवान, कि द्रव्य का स्वरूप समझे बिना पर्याय में साक्षी धर्म प्रकट नहीं होता। जब तक एकत्व है, और एकत्व किसी भी वस्तु के साथ में, व्यक्ति के साथ में, घटना के साथ में एकत्व करते हुए साक्षी रहा ही नहीं जा सकता। अब कांच का गिलास फूटा और तुमने कहा कि मैं साक्षी होकर के मैंने देख लिया। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मैं साक्षी होकर के मात्र देख लेता हूं कि बस फूटा तो फूटा। नहीं, अभी तुमने साक्षी होकर के देखा ही नहीं। उसका कारण है, क्योंकि उस साक्षी होने के लिए कोई बल चाहिए। किसके बल पर तुम साक्षी रहे? पर्याय पर जोर देकर के पर्याय के साक्षी रहा ही नहीं जा सकता। कुछ ऐसा अंतर में देखा हो जो नहीं टूटता, उसमें एकत्व है। जो द्रव्य में एकत्व है, द्रव्य में एकत्व होने से पर्याय में जो घटना होती है उसका साक्षी रहता है। ये देखता हुआ कि अनंत वैभव का उसमें परिणमन नहीं हुआ है, अनंत वैभव का, अनंत गुणाधिपति ज्ञायक देव का उसमें परिणमन नहीं होता है भगवान। ऐसा हो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव का
ओहो, आज सुबह से लेकर के शाम तक आज मैं मात्र साक्षी रहा। इसका मतलब कि मैंने अपने को सुबह से शाम तक वाला माना, अनादि अनंत जो है वह स्वीकार नहीं किया। ऐसा कि अब मुझे आत्मज्ञान हुआ और मैं साक्षी रहता हूँ, नहीं वो मैं नहीं, मैं तो कौन हूं कि जिसमें एकत्व हुआ और पर्याय में साक्षी रहा, जिसमें एकत्व हुआ और पर्याय में साक्षी रहा, ऐसा जो एकत्व का विषय जो द्रव्य भगवान आत्मा, वो नित्य, वो ध्रुव, वो साक्षी की पर्याय से पार न्यारा, ये मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव हूं। ऐसा है भगवान, हे ज्ञान दीपक। ओ, ऐसा हो भगवान, ऐसा निर्विकल्प चैतन्य तत्व का अनुभव है, ऐसी दृष्टि चैतन्य परमात्मा की दृष्टि हो, उसमें तो एकत्व नहीं होता। यहाँ तो गाड़ी, बंगला, घर, परिवार, पुत्र, पत्नी, ये मेरे। ज्ञानी तो ये कहते हैं ये मेरे नहीं, उसके जो साक्षी है, उसके जो साक्षी हम रहते हैं, मगर फिर भी हमें साक्षी की पर्याय में अपना अपन नहीं रहा भगवान, क्योंकि जो अभी अभी पैदा हुई उसमें एकत्व क्यों करे? हम तो उसमें एकत्व करते हैं भगवान की जो पैदा नहीं हुआ। ओहो, साक्षी की पर्याय प्रकट नहीं हुई, मात्र उसमें अंतर्मुख होकर के उपयोग अंतर्मुख सहज होगा। ऐसा जगत के ज्ञेयों को जानता जानता होने पर भी उदासीनता, उदासीनता अर्थात उसमें एकत्व नहीं। और ये पर्याय अपने आप प्रकट होती है, साक्षी की पर्याय सहज प्रकट होती है, उसमें भी कर्ता नहीं बनता, उसमें भी कर्तृत्व नहीं रहता, भगवान उसको भी पैदा करने नहीं गया, वह जो ध्रुव ज्ञायक यह मैं हूं। ऐसा मैं ध्रुव ज्ञायक देव, दो में से कहीं पर भी नहीं जाता। लोकालोक को जानने वाली केवल ज्ञान की पर्याय, जो लोकालोक के भी साक्षी बनने वाली केवल ज्ञान की पर्याय, जैसे ज्ञेय हो, पहले तुम्हारा जो विचार चलता था ना वो ऐसे ही, पहले तो द्रव्य के आश्रय के बिना साक्षी की पर्याय प्रकट नहीं होती, कोई साक्षी रह ही नहीं सकता, जब तक ये अनुभव में नहीं आए तब तक साक्षी नहीं रह सकता। तो साक्षी की, जैसे कि 4 बजे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ कि 4 बजे वह अब साक्षी रहा, उसे साक्षी भाव प्रकट हुआ, तो 4 बजे से पहले की जो दशा थी उस समय तो साक्षी भाव नहीं था। तो वो साक्षी भाव मैं नहीं हूं, साक्षी भाव मैं नहीं हूं, ऐसा भेद विज्ञान 3 बजे करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि साक्षी तो अब है ही नहीं, तो वो मैं नहीं हूं वो भेद विज्ञान क्यों? कि भगवान जो अभी वर्तमान में प्रकट नहीं हुआ है, ऐसा भी भेद विज्ञान उससे करना है। क्यों? क्योंकि जो है उससे ही भेद विज्ञान करना ये भी मिथ्यात्व है। जो मेरे घर में जो रुपये पड़े हैं बस वो मेरे नहीं, वो मेरे नहीं, ऐसा नहीं। जो मेरे नहीं है, 3 लोक का जो वैभव है, जो मेरे घर में नहीं है, वह भी मेरा नहीं है, उसमें भी मेरा नहीं है, अर्थात मेरा हो सकता नहीं है। ये दृष्टि, अभी साक्षी की पर्याय तो 3 बजे नहीं है, मगर मेरा स्वरूप जो है ऐसा स्वरूप है कि 3 काल में वो साक्षी का जो पर्याय का स्वरूप है वो द्रव्य में नहीं आ सकता, ऐसा मैं भगवान आत्मा, ये अहोभाव जब तक नहीं आता तब तक 4 बजे सम्यक दर्शन नहीं होगा, वो ऐसा समझना। वो तत्व विचार से भेद विज्ञान करते करते वह दशा प्रकट होगी। ओहो, ऐसा है। ओ, भगवान, ओ, ऐसा तुम्हें देखे ने तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे चैतन्य परमात्मा तत्व,
चैतन्य परमात्म तत्व की जो उपयोग अंतर्मुख ऐसे ही हो जाता है, ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा ऐसा जो सहज परिणमन, उसके पीछे एक रहस्य है, उस रहस्य को भगवान समझो तो तुम्हें ऐसा लगेगा वो जो कर्तृत्व है ना, कि अब तो बस मैंने वह पा लिया जो मुझे पाना था, अब मैं कहीं पर भी बैर विरोध नहीं करता। इसलिए ज्ञानी की दशा कि युद्ध करने के विकल्प आए तो उसे भी जाना, युद्ध करने के विकल्प आए तो जाना, 96,000 रानियों को भोगने के विकल्प आए उन्हें भी जाना, जो विकल्प आए उन्हें जाना, और मुनि धर्म अंगीकार करने के विकल्प आए उसे भी जाना, शास्त्र लिखने के विकल्प आए उन्हें भी जाना। ये जो ज्ञान में जो जानना हुआ, बिना विरोध का जो जैसा है ऐसा जानना हुआ, ये जानना हो रहा है, उसमें ज्ञानी का एकत्व नहीं है। महत्ता नहीं देते, प्रधानता नहीं देते उसको भगवान, वो ऐसे ही उस रूप में वो यदि नहीं होता तो क्या होता, ऐसा हो ये निर्लेप रहने वाला, ऐसा ये तुम ऐसा हो, तुम गाड़ी लेकर के निकलो और तुम्हारे गाड़ी के साइड ग्लास में से पीछे की गाड़ी जो प्रतिबिंबित होती है, अब वो जो दर्पण है जिस दर्पण में वह गाड़ी प्रतिबिंबित होती है, तो वह जो दर्पण तो अलिप्त है, उसमें तो गाड़ी गई नहीं, मगर तुम्हें कभी ये विकल्प आता है, अरे मेरा दर्पण कैसा है देखो, उसमें गाड़ी आती नहीं, मात्र प्रतिबिंबित होता है, ऐसा कभी अहोभाव आया? इतनी बार तुम गाड़ी लेकर के निकले, अपनी गाड़ी को अपनी माना है, ऐसा खुद घर में बैठे है और गाड़ी नीचे रखी हो, पार्किंग में हो, तो भी ये कि वो मेरी, और विकल्प नहीं आता। ये वो जो एकत्व का भाव ये है कि जो दर्पण है उस दर्पण में गाड़ी प्रतिबिंबित होती है और बिना विकल्प के प्रतिबिंबित होती है, मगर फिर भी वो विकल्प नहीं आता, सिर्फ इतना कि वह मेरी गाड़ी है। उसमें सब आया, उसमें गाड़ी का कांच भी आया और गाड़ी पूरी आई। ऐसे ही ज्ञान की एक समय की पर्याय ये जो गाड़ी के कांच की भांति, ये दर्पण की भांति कि जिसमें ये जगत प्रतिबिंबित होता है, मगर ज्ञानी को ये विकल्प नहीं आता कि ये ज्ञान की निर्मल पर्याय जिसमें ये जगत प्रतिबिंबित होता है, ऐसा निर्मल ज्ञान की पर्याय स्वरूप में, ऐसा नहीं, ये ज्ञान की सत्ता, ये दर्पण जो गाड़ी के साथ में अभेद है, और दर्पण का अलग से विकल्प थोड़ी आता है, पूरी गाड़ी मेरी है। कोई यदि तुम्हें पूछे कि ये दर्पण किसका है, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ऐसा क्यों पूछते हो, पूरी गाड़ी मेरी है। तो यहां एक ज्ञान नहीं, ज्ञान दर्पण नहीं, अनंत गुणाधिपति ज्ञायक देव यह मैं हूं, ऐसा एकत्व है, और वह विकल्प नहीं होता कि ज्ञान के दर्पण में कौन से ज्ञेय प्रतिबिंबित हुए, ज्ञेय का तो नहीं, ज्ञान की पर्याय का भी हो भगवान, ऐसा पर्याय से पार द्रव्य का अनुभव, ये ऐसा द्रव्य का अनुभव है, ये भेद विज्ञान के बिना प्रकट नहीं होगा। पर द्रव्य से हट करके स्वरूप से अंतर्मुख होने पर, और स्वरूप की महिमा आए, अब पाने योग्य क्या रहा। मैं ऐसा, मैं तो ध्यान का विषय ऐसा ध्येय भगवान आत्मा हूं, ऐसा मैं ध्यान नहीं हूं, मैं तो ध्यान की पर्याय जो है उसका विषय है वो द्रव्य में हूं, ऐसा भी तुम्हें दूर हो जाएगा ये विकल्प भी, क्योंकि ध्यान की पर्याय का ध्येय, उसमें भी पर्याय तो आई ना, ध्यान की पर्याय ध्येय किसका, ध्यान की पर्याय का न, वहां तो चैतन्य ही रहता है, ये विकल्प नहीं होता कि किसकी पर्याय का ध्येय में हो, ध्यान की पर्याय का कि ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय, ध्यान की पर्याय का ध्येय, श्रद्धा की पर्याय का श्रद्धेय, ऐसा भी विकल्प नहीं,
द्रव्य का वह जोर है, चैतन्य तत्व विचार इसका नाम है। चैतन्य तत्व विचार, हे ज्ञान दीपक, ओहो सब मिलेगा भगवान, मगर इस काल में तुम्हें ये पुकार सुनने को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया में अभ्यास कराते हैं वो कि तुम साक्षी कैसे रहो, साक्षी का अभ्यास करो। यहां तो कहते हैं कि साक्षी का अभ्यास जो करता ही नहीं है, क्योंकि अभ्यास तो क्या, वास्तव में साक्षी जब रह ले तो भी जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसा। ऐसा है मैं यहाँ, ऐसा ध्रुव अंतर्मुख, ऐसा मैं ध्रुव, ऐसा अंतर्मुख पर्याय से पार, ऐसा साक्षी की पर्याय। वरना दो भेद खड़े होंगे ना, एक तो साक्षी की पर्याय और एक कि साक्षी की पर्याय जिसके आश्रय से प्रकट हुई वह भगवान आत्मा। तो दो भेद खड़े होंगे तो विकल्प विकल्प उत्पन्न होगा, इसलिए दो में से एक को चुनना। तुम दो में से एक को चुनना कि तुम्हें साक्षी होना है कि साक्षी की पर्याय जिसके आश्रय से प्रकट होती है उसका स्वीकार करना है। वास्तव में दोनों एक ही समय में होगा, मगर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, आसमान जमीन जितना अंतर है। साक्षी उसी समय रहता है जिस समय द्रव्य का आश्रय लेता है, एक समय में होता है, मगर अंतर क्या है कि साक्षी होना है यदि तुम्हें तो तुम्हारा जोर पर्याय पर है, और द्रव्य का आश्रय तो वहां द्रव्य पर जोर है। दशा तो एक ही समय में होगी कि द्रव्य के आश्रय से पर्याय में साक्षी होगा, ऐसा भगवान आत्मा के ध्यान से पर्याय में केवल ज्ञान होगा। तो तुम्हें केवल ज्ञान प्रकट करना है कि भगवान आत्मा, कि भगवान आत्मा के आश्रय से केवल ज्ञान तो होगा ही होगा, मगर उसका ध्यान वहां तुम्हारा गया तो केवल ज्ञान नहीं होगा। केवल ज्ञान ऐसा ध्यान जाए तो केवल ज्ञान नहीं होता, नहीं आत्मज्ञान नहीं होता। क्षायिक भाव की ओर ध्यान गया, परम परिणामी ज्ञायक देव को भूल करके क्षायिक ज्ञान, क्षायिक भाव, ये केवल ज्ञान, ये क्षायिक ज्ञान, ये क्षायिक भाव की ओर ध्यान गया। इसलिए ओ, 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 एक 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 ऐसा एक दो नहीं, साक्षी का विषय और साक्षी की पर्याय, एक काम अहो भाव इतना है। इसलिए समय सार में एक अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूं और निश्चय से शुद्ध हूं, ऐसा खलु शुद्धो मैं एक हूं, एक से महान कोई नहीं। ये राजा है ना, वो 13 पत्ते होते, 13 पत्ते का वो 4 आदमी खेल करके वो 52 पत्ते का खेल खेलते, उसमें 13 पत्ते में सबसे बड़ा पत्ता होता है वो राजा का, राजा से भी बड़ा पत्ता है वो बोले एक का होता है, वो एक का राजा से भी बड़ा है, उससे बड़ा कोई पत्ता नहीं होता। वो एक को बोलते, एक को, अहम एक को, मैं एक चैतन्य परमात्मा, एक का है ऐसा, एक चैतन्य परमात्मा। हे ज्ञान दीपक, मरने से पहले ऐसा स्वरूप जिसके कान में भी पड़ा तो निकट काल में तुम जहां होंगे पाओगे, क्योंकि अहोभाव इतना आया, वो अटकना अब नहीं होगा क्योंकि विचार शुरू हुआ। अब उसे इतना जो जो भी स्टेशन है वो स्टेशन का पता चले वो ही बहुत है। तुम्हारी यात्रा अभी चल रहा है ना, यात्रा में स्टेशन का तो पता चले, कि जिस कारण से तुम स्टेशन को डेस्टिनेशन न मान लो, बीच में आने वाले विराम स्थान को तुम गंतव्य स्थान न मान लो, इसके लिए इतना भी तुम्हारे अंदर हकार आया ऐसा। पकड़ नहीं छूटती, एक ज्ञायक देव की पकड़ और पर्याय में जग का ज्ञाता दृष्टा, सारे जग का ज्ञाता दृष्टा, और अंतर में वो अंतर का अंतर में ऐसा होता है, वो अनुभव अंतर का होता है, अंतर का अनुभव होता है, और चुपचाप
हाँ, जो हो रहा है उसको ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही देखता है, ऐसा। पेट में बहुत जलन होती हो, अब बहुत जलन हो रही है तो तुम्हें चैन नहीं पड़ता, तुम यहां वहां के वस्तु को, पदार्थों को देखते रहते हो, कहीं ना कहीं इधर उधर सब, कि अब क्या करूं, पेट में बहुत जलन हो रही है, एसिडिटी हो गई। अब तुम्हें ऐसा हुआ कि एसिडिटी की दवाई ले ली, या फिर तुमने कोई ऐसा सौंफ का शक्कर डाल करके पानी पी लिया, ठंडा पानी पिया कि तुम्हारी एसिडिटी थोड़ी कम हुई। अब ठंडा ठंडा तुम्हें पेट में अनुभव हो रहा है, वो जो जलन हो रही थी, जलन अब तुम्हारी कम हो रही है। तो पहले तुम यहां वहां नजर घुमाते थे ना, अब तुम एक ही जगह पर जो ऐसे शांति से बैठे हो, कोई आता है कोई जाता है, तुम्हें वो उहापोह नहीं होता, तुम चुपचाप बैठे हो। तो दुनिया जो तुम्हें देखेगी, दुनिया तुम्हें यही देखेगी ना कि पहले ये व्यक्ति जो था वो कितना उछल कूद करता था, अब शांति से बैठा है। मगर तुम असली राज तुम जानते हो, तुम जो अभी चुपचाप नहीं, शांति से बैठे हो ना, उछल कूद नहीं करते, उसके पीछे कारण क्या है? तुम यहां वहां नजर नहीं घुमाते, ऊंचे नीचे नहीं होते, ये क्यों नहीं होते? असली कारण तुम जानते, क्योंकि अंदर में तुम्हें वो ठंडा शीतलता का अनुभव हो रहा है। दुनिया को वो पता ही नहीं चलता, दुनिया को ऐसा है कि शांति से बैठा है। तो ज्ञानी अज्ञानी को कैसे लगते हैं? कि ज्ञानी तो मात्र साक्षी रहते हैं, देखो साक्षी रहते हैं। मगर तुम ज्ञानी को पूछो, ज्ञानी कहते हमें अंतर में वो ज्ञायक शांत अनुभव में आता है, उस कारण से बाहर में हम साक्षी रहते हैं। ये अंतर की जो शीतलता, वो तुम क्या जानो भगवान? ऐसी अंतर की जो अनुभूति हो रही है, उस अनुभूति को तुम्हें कैसे बताओ भगवान? ऐसा न्यायक 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 हे ज्ञान दीपक, ओ हो। ओ भाव तुम्हारे अंतर में न्यायक देह यही अंतर में, ओ हो। अंतर 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 का ऐसा, बाहर का वैभव बाहर रह गया, बाहर का व्यवहार बाहर रह गया, अंतर में तो वहां कोई नहीं, वहां तो अंदर आना ही मना, ऐसा हो सब जितना भी है सब वहां बाहर बाहर, ऐसा अंतर में एकांत का ऐसा अनुभव है, वो पता ही नहीं चलता, इसलिए बाहर से पता नहीं चलता। इसलिए अज्ञानी या तो व्रत तप से देख लेता है, या तो मुनिराज आत्मा के ध्यान में लीन है। भावलिंगी संत वन विहारी मुनि, ओ, देह छूटेगा तब मुनि होंगे ने, ओ, भावलिंगी मुनि, ऐसा लगता है कि अरे चींटियां शरीर पर इतनी बैठती है, कैसा कैसा शरीर पर इतने कांटे चुभते हैं, कितना सहन, स्वीकार स्वीकार भाव, स्वीकार भाव स्वीकार भाव नहीं, वो स्पर्शना एक समय के लिए पर्याय को, द्रव्य की स्पर्शना एक समय के लिए नहीं छूटी, ये महत्वपूर्ण है। वो जो पकड़ नहीं छूटी, उस पकड़ का ऐसा, ऐसी अंतर में और प्रति समय ये जागृति, ये जागृति। तुम्हें कभी ये विचार आया कि न्यायक न्यायक की पकड़ न छूटे? पहले पकड़ में तो आए, जिसकी तुम्हें महिमा है ना, महिमा ऐसा। एक बार ये अवसर हे ज्ञान दीपक तुम्हें मिला है, और ये भी कितने दिन, मैं नहीं जानता कितने दिन कहता हूं, कितने दिन मैं नहीं जानता, महीने और बरस मैं नहीं कहता, कितने दिन मैं नहीं जानता, मैं तुमसे सिर्फ इतनी पुकार करता हूं, हे ज्ञान दीपक तुम जागो। यदि तुम्हें अहोभाव आया, एक बार मृत्यु हुई, अरे कहां से कहां चला गया, दोबारा ये स्वरूप समझने का अवसर ही कहां मिलेगा, कहां भटकेंगे चीटी कीड़े मकोड़े माखी मच्छर में, वहां मैं ज्ञायक देव, ये कहां, ये जो अवसर, इसलिए तुम ऐसी अनुभूति को उपलब्ध हो भगवान,
यदि तुम्हें अहोभाव है एक 10 रुपये की नोट भी हो न, तुम कमरे में बैठे हो, ऊपर पंखा चलता है और नोट 10 रुपये की उड़ती हो और तुम्हारे हाथ से उड़ती उड़ती नोट जैसे ही नीचे गई, तुम तुरंत कैसे झपट लगाते हो पकड़ने के लिए कि अरे कहीं नहीं जाने वाली, कमरे में ही रहेगी, कमरे से बाहर, चारों ओर से कमरा बंद है, बाहर कैसे जाएगी। मगर फिर भी तुम्हें इतना है कि कहीं पलंग के नीचे चली गई, कहीं टेबल के नीचे, कहीं अलमारी के नीचे, तो निकालनी बहुत मुश्किल होगी, बड़ी मुश्किल से निकलना होगा। एक 10 रुपये की नोट के लिए कैसी झपट लगाते हो कि न छूट जाए। तो ये न्यायक देव जो अवसर मिला वो छूट गया, फिर तो अनंत काल तक वह निगोद में गया। हे ज्ञान दीपक, तुम इस अवसर में ये न्यायक की पकड़ मत छोड़ना, ये अवसर है, ये अवसर है, ये अवसर है। ये तुम्हें ऐसे ही मुफ्त में नहीं मिला है भगवान, इसके पीछे अनंत अनंत भव के वो तुम्हारे लंबी यात्रा के कारण ये तुम्हें अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए कहता हूं, मेरी यही भावना है कि तुम अब कल से जो एक अपूर्व साधना प्रारंभ होने जा रही है, उस साधना में तुम इतने अहोभाव से जुड़ो, महिमा भाव से जुड़ो स्वयं के लिए, दूसरों पर उपकार करने के लिए नहीं, किसी पर भी तुम उपकार नहीं करते, इसलिए बस एकमात्र आत्म साधना के लक्ष्य से तुम यहां जुड़ो। जितना समय मिलता है भविष्य में, निकट काल में कुछ अपूर्व होने जा रहा है, इसलिए कल से अब तुम्हारा वही स्वरूप की साधना का शुभारंभ हो रहा है। तुम्हारी अक्कड़ता को, वो जो अहंकार का भाव था, उस भाव को छोड़ने का समय आया, इसलिए अंत हो, बस मैं कुछ हूं, वो अहंकार की अक्कड़ता छूटे, ये मैं का अंत आया, मैं महीने का अंत आया, 31 मई, ये मैं का अंत, शुरुआत हुई थी चैतन्य तत्व मैं हूं, और अंत हो कि देह मैं नहीं हूं, आदि तो हो मैं चैतन्य हूं, और अंत हो तो देह मैं नहीं हूं, राग का विकल्प मैं नहीं हूं, ये मैं से। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों और परोक्ष ज्ञान दीपकों के लिए एक सुवर्ण अवसर है, और इसलिए मैंने आप सबके लिए बिना किसी पक्षपात के कुछ दिशा निर्देश भेजे थे, फिर से मैं उन दिशा निर्देशों को आपके सामने बता दूं, जिससे यदि आपने पढ़े न हो, क्योंकि आपकी जो ज्ञान दीपक की साधना है, इस साधना के दौरान अब कल से लेकर के कोई छूटछाट न होगी, और ऐसे विरले के साथ में ही रह करके ये चैतन्य तत्व विचार में साधना करने की भावना भाता हूं। इस शरीर की शक्ति का यथार्थ रूप में सही जगह से खर्च हो, ये बीज बोया जाए तो ऐसी जगह पर जो जमीन ऐसी फलद्रुप हो, जो जमीन ऐसी हो कि जहां हल चल चुका हो, ऐसा न हो कि बीज रोड पर, रास्ते पर ही गिर जाए और लोगों के चलते चलते पैर के नीचे दब करके खत्म हो जाए। तुम्हारे नित्य क्रम की साधना के लिए कल से 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपके नित्य क्रम का जो रिकॉर्ड है, वो जो साधना का रिकॉर्ड, वो आपको भेजना है। 1 तारीख और 5 तारीख के बीच में बिल्कुल समय से, क्योंकि मैंने कंप्यूटर में वो सेटिंग सब किया है एक सॉफ्टवेयर से,
कि जिसका भी वो समय पर नहीं आएगा उनका नाम कंटिन्यूस 3 महीने तक, जिनका 1 तारीख और 5 तारीख के बीच में नहीं आएगा उनका नाम निकल जाएगा। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि जिनको 1-to-1 मीटिंग के लिए मिलना हो तो उनके लिए भी 25 दिन में कभी भी वो मिलने के लिए नहीं, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में। कुछ कुछ ज्ञान दीपकों के नाम आए हैं और कल से वो 1-on-1 मीटिंग भी शुरू होगी, तो आपके लिए वो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी ज्ञान दीपकों को मिलना है, कुछ कहना है, तो उन सभी को मैं मिल सकूं। महीने में 30 दिन में से 24 दिन के लिए आपको अनिवार्य रूप से ये जो लाइव सेशन होंगे जूम के, वो लाइव सेशन आपको अटेंड करने हैं। इस सेशन को जब आप अटेंड करते हैं उस समय आपको प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों को खास करके ये सफेद वस्त्र पहन करके बैठना है और बिल्कुल व्यवस्थित तरह से, कोई भी व्यक्ति कोई जैसे गद्दे पर लेट करके सुनता है या तो आराम कुर्सी में आराम करते सुनता है, यदि आपका कैमरा चालू है तो आप बिल्कुल व्यवस्थित रूप से बैठेंगे, क्योंकि आपकी भी वीडियो की रिकॉर्डिंग यहाँ हो रही है जो मुझे फिर बाद में दिखाई देगी, तो फिर आपका नाम भी इस साधना में से निकल सकता है। आप सिंसियर होकर के बिल्कुल पूरी तरह से यदि आप ये साधना करेंगे तो आप इसमें कंटिन्यूटी लगातार आप ये साधना कर पाएंगे। इसके अलावा मैंने कुछ ज्ञान दीपकों के नाम लिखे हैं, लगभग 25 जितने नाम मेरे पास में अभी है, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान दीपकों के कुल मिला करके, जिन्होंने अपने नाम ठीक तरह से नहीं लिखे हैं। अभी भी उन्होंने अपने नाम में, किसी ने नंबर पीछे लिखा है, किसी ने नंबर में कोई आगे जीरो करना वो नहीं किया, तो जो आपको जिस फॉर्मेट में बताया है उसी फॉर्मेट में आप अपना नाम लिखना, और उसकी लिस्ट जो है वो मैं आपके सामने कल यहाँ स्क्रीन पर दिखाऊंगा, सभी के नाम बताऊंगा, तो आप उसमें लिस्ट में पढ़ लेना, और आपको मोबाइल पर भी, अपने अपने मोबाइल पर भी भेजूंगा जिनके नाम ठीक नहीं होंगे। यदि आपको वो करना नहीं आता तो आपके परिवार में जो पढ़े लिखे हैं, जो मोबाइल का जानते हो, कंप्यूटर का जानते हो, तो उनको कहेंगे तो वो आपको सेट करके देंगे कि आपका नाम उसमें जूम पर किस तरह से सेट करना है। तो आपका नाम यदि ठीक तरह से होगा तो आपकी अटेंडेंस भी समय पर ठीक तरह से ली जाएगी। तो इस प्रकार से कल से आपकी साधना का ये अपूर्व अवसर प्रारंभ हो रहा है, और इसमें किसी के लिए भी, कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कोई पक्षपात न होगा, और नियमित रूप से हम चैतन्य तत्व विचार करेंगे। अभी मैं आपके लिए और भी कुछ मैंने भाव पाए हैं कि चैतन्य तत्व विचार करते समय कुछ कुछ ज्ञान दीपकों को मैंने भेजे भी है कि जो सत्संग है आपको इस भूमिका में कौन कौन से सत्संग सुनने हैं, तो वो सत्संग भी मैंने ज्ञान दीपकों के लिए रिकमेंड किए थे। उसमें भी बहुत लंबा टाइम लग जाता है, एक एक ज्ञान दीपकों को मैं मिलता हूँ, पूछता हूँ उनकी वर्तमान की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, मनस्थिति क्या है, ये सब उनके साथ में चर्चा करके अपने प्रवचनों में से उनके लिए चुन करके उनको रोज सुनने को मैंने दिया है, और कुछ ज्ञान दीपकों को भी देना है। तो आप सबके लिए ये चैतन्य तत्व विचार के अलावा जो नियमित रूप से आपको ये ध्यान और ध्यान से पूर्व तत्व विचार जो पुराने भी आप सुनते हैं तो उसे भी आप सुनिए। बस प्रति समय आपको ये चैतन्य तत्व का जो अहोभाव, मेरा यही भाव है भगवान कि हमारा एक दूसरे का ऐसा बिछुड़ना हो जाए, और कभी भी हो सकता है यदि तुम्हें कल मैं न मिलूं तो समझना कि मैं अब यहाँ नहीं, कभी भी बिछुड़ना हो सकता है, उससे पहले मेरी भावना है कि तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट हो, तुम्हारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना सफल हो, ऐसी मैं मंगल भावना पाता हूं।
ओ